हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरदीस पॉलिटेक्निक कॉलेज आगरा। मैं हूं जितेंद्र सिंह, लेक्चरर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। और आज हम लेक्चर 5 का पार्ट बी देख रहे हैं, किरचॉफ करंट लॉ के बारे में। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था आपको कि किरचॉफ का वोल्टेज लॉ क्या होता है। अब हम देखेंगे किरचॉफ का करंट लॉ क्या है, जिसको हमारी इंजीनियरिंग में फेमसली बोला जाता है KCL, किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, ये कहता क्या है कि किसी जंक्शन पर या फिर किसी नोड पर, जंक्शन क्या होता है, नोड क्या होता है, ब्रांच क्या होता है, मैश क्या होता है, लूप क्या होता है, इसके लिए डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है, आप उस वीडियो को जरूर देखें, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो किसी जंक्शन का मतलब ये है कि जहाँ पर कोई बहुत सारे एलिमेंट कनेक्ट होते हैं। एलिमेंट क्या होते हैं, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, उनको हम एलिमेंट कहते हैं। तो जहाँ पर कई सारी करंट आ रही होती है, उनको भी हम जंक्शन बोलते हैं। तो जंक्शन या नोड पर द टोटल करंट एंटरिंग अ जंक्शन और नोड इज इक्वल टू द टोटल करंट लीविंग टू द नोड एज नो चार्जेस लॉस। किसी जंक्शन पे आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा क्या होती है, यही हमारा किरचॉफ करंट लॉ कहता है। और ये बताता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि नो चार्ज इज लॉस्ट। ये इसको बच्चे लिखते नहीं है एग्जाम्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। क्यों स्टेटमेंट है, क्योंकि ये कहता है, ये किरचॉफ करंट लॉ डिपेंड करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए, एग्जाम्स के लिए। और केवीएल किस पर डिपेंड करता था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर डिपेंड करता है। आइए देखते हैं। देखिए, ये जंक्शन है, जंक्शन पे आने वाली करंट कौन कौन सी हैं, उनको कौन कौन सी है बताइए। I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, और जाने वाली करंट कौन सी है, सिर्फ एक करंट है, वो क्या है, वो है I5। वो क्या है, I5। तो हमारा जो हो गया वो ये हो गया कि यहाँ पर KCL फुलफिल हो गया। ये ऐसे लगाते हैं हम KCL। तो ये था करंट, किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। ये हमने केवीएल केसीएल कर लिया, अभी इतना इम्पोर्टेंट है कि हमें इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस करने की ज़रूरत है, जिससे हमारे इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, अगर आपको केवीएल केसीएल नहीं आता है तो आप फर्दर स्टडी करने में, फर्दर हायर स्टडीज जाने में, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, सेकेंड ईयर में बड़ी दिक्कत होगी। इसलिए आप इन दोनों लोगों को बहुत अच्छा इससे पढ़ें। और मैं अगले लेक्चर में 10 क्वेश्चन लाऊंगा केवीएल और केसीएल के, उन क्वेश्चंस को आप बिल्कुल अटेम्प्ट करें और अच्छे से करें और इनको अच्छे से सीखें। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।